फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विशमा। आज है संडे, तो संडे को हम बना रहे हैं खास रेसिपी, यानी कि लखनवी चिकन बिरयानी। तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन की है, अभी दिखाती हूँ आपको क्या करना है। किसी ने बोला था कि बिरयानी की रेसिपी शेयर करने को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा ज़रूर अच्छे से अच्छी बिरयानी की रेसिपी आप लोग को बताऊँ। तो चलिए फुल प्रोसेस बताऊँगी, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। तो इसलिए मैं अभी से ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज बड़ा काम था, फ्रिज मेरा ख़राब हो रहा था, मतलब उसमें इतना फ्रीजर में बर्फ़ जम गया ना, वो पीछे से उसकी जो पानी निकलता है पिघल के, वो ब्लॉक हो गया, आगे से पूरा पानी पानी पानी, बड़ा छीछा लेदर हो गया था। तो पहले फ्रिज साफ़ हुआ, फिर झाड़ू पोछा हुआ, फिर लंच हुआ, तो अलहमदिल्ला लंच भी हो चुका है। तो अभी मैंने कहा बना लूँ, क्योंकि शाम को अरहम को लेके जाना है घुमाने, और वो सुबह मतलब तीन दिन से रट रहे हैं मॉल लूलू मॉल जाने के लिए। असल में तो लूलू मॉल तो नहीं जाएंगे आज, बट इनको घंटा घर तो घुमाए थे, वो भी फेवरेट है हम लोगों का, तो वो घुमा देंगे, और वहाँ पे जो कार वार चलती है वो सब, तो खैर वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो घंटे तक देखी कर रेसिपी की, ये पूरी रेसिपी को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। और जिनको भी ये रेसिपी आपने बना के बिरयानी की खिलानी है ना, तो वो तो आपकी उंगलियाँ खा जाएंगे, आपका हाथ ना चूमने तो मेरा नाम बदल देना, रहने दो बदलने को, फिलहाल ट्राई कर लेना। तो चलिए यहाँ पे मेरा मुंह ही नहीं दिख रहा नहीं पान खाते हुए कौन रेसिपी बताता है, जो देखते दो चार लोग वो भी नहीं देखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो मैंने चावल डाला है तो यहाँ पे हाफ के जी चिकन है, जिसमें ज्यादातर लेग पीसेस है, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है बढ़िया सा, इसमें लेग पीस ज़्यादा है, पीस कम है, वो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको ऐसे ही लेना। तो सबसे पहले ना हमें क्या करना है, जो लेग पीसेस है उसको ऐसे डीप कट लगाने हैं, बिल्कुल चाकू जब तक बोन पे ना टच हो जाए उतना गहरा गहरा आपको कट लगाना है। इससे क्या होता है ना कि जो मसाले हैं वो, या जो पूरी फ्रेग्रेंस है बिरयानी की, वो पूरा आपका जो चिकन है ना उसके अंदर एकदम चला जाता है। तो कट्स गहरे लगने चाहिए, अंदर से सादा सादा लगेगा, तो फिर होगा कि आपने बताया नहीं था, आपने अच्छी रेसिपी नहीं बताई है ना। तो चलो सारे कट्स लग चुके हैं, हैंड वॉश कर लो, चावल को धो लो ना, फिर कोई कहेगा कम से कम हैंड वॉश तो कर लेते ढंग से। ओके भाई, ये तो मेरी आदत है, मेरे ख्याल से सबकी आदत है कपड़ों दुपट्टे में या कुर्ते में ऐसे फटफट पोंछने की। तो चलो अच्छा ये हो गया, मैरिनेट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जाएगा दही अंकुर, तो थिक वाला ही लीजिएगा, थोड़ा सा आज मैं डिफरेंट बना रही हूँ, क्योंकि बड़ा दिल से बनाएंगे, क्योंकि आप लोग का जो कमेंट आता है ना कि मलाईदार दही ले तो और अच्छा, मलाईदार है ये दही बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ही कमेंट कर दिया था भाई लोग, ठीक है। इसमें जाएगा नमक हो गया ऊपर नीचे, नमक हम बिल्कुल चिकन जितना है उसके अकॉर्डिंग डालना है हमें, भरपूर जितना आपका चिकन हो उस हिसाब से डालना है। देखिए नमक इसमें चावल में भी जाएगा थोड़ा सा, जब प्याज को फ्राई करेंगे तब भी जाएगा, तो उस हिसाब से थोड़ा सा रखिएगा, लेकिन अपने अंदाजन रखिएगा, कोई ऐसा नहीं, ठीक है। और अब उसके अलावा जो मैंने बिरयानी मसाला बना रखा है ये, और बिरयानी का मसाला रेसिपी का आपने देख लेना है इससे पहले वाले व्लॉग में, नहीं तो मैं ऐसे वर्बली आपको बता देती हूँ। और इसमें है सौंफ है, शाही जीरा है, नॉर्मल जीरा है, और आपका वो चकरी वाला है, लौंग है, इलायची है, छोटी इलायची बड़ी इलायची दोनों है, और उसमें आपका रोज़ का पेटल है, ड्राई रोज़ पेटल है, और आपका इसमें वो इलायची का मैंने बताया आपको, इलायची पाउडर है। तो ये सारा को ना हल्का सा रोस्ट किया, दालचीनी जावित्री और थोड़ा सा जायफल, ये सब हल्का सा रोस्ट करके मैंने इसको ड्राई पीस लिया। तो ये लगभग जाएगा वही 1 टेबल स्पून जितना, तो ये स्पेशल बिरयानी होममेड मसाला है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है इसकी, जो सब गुलाब गुलाब होता है ना उसकी बहुत अच्छी। अच्छा इसमें इत्र भी जाएगा, तो मीठा इत्र वाला मैंने एक बार रेसिपी चिकन का बताया था, तो उसी पे मुझे कमेंट आया था कि आप मुझे बिरयानी की भी बताइएगा, आप रेसिपी बहुत अच्छी बताती, तो थैंक यू सो मच। देखिए इसमें क्या होता है ना कि किसी किसी को वही चीज़ बहुत अच्छी लगती है, किसी किसी को मेरे ब्लॉग बोरियत वाले लगते हैं, किसी को बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को ठीक लगते हैं, कोई टाइम पास के लिए देख लेता है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना टेस्ट होता है हर चीज़ का।
इसमें ना आपको इस वाली बिरयानी में आपको बिल्कुल भी मसाला ऐसा मुंह में नहीं पड़ने वाला है, जाएगा तो सारा मसाला आपका, लेकिन ना ये स्पेशली जो नवाबी लखनवी नवाबी स्टाइल का जो बिरयानी होता है ना, ऑथेंटिक लखनवी बिरयानी, वो है इसमें पूरा। तो मुंह में आपको कुछ नहीं आएगा, कोई मसाला नहीं पड़ेगा ना आपको पूरी बिरयानी में, कोई मसाला ऐसा खड़ा देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लगता है, जब से मैंने इसको बनाना शुरू किया है ना तब से, कब से रमज़ान में जैसे मैंने इदरीस की खाई है, उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा सर्च वर्च किया इदरीस की बिरयानी को, लखनऊ ऑथेंटिक बिरयानी को, तब से यही वाली बिरयानी चल रही है हमारे घर में। वो वाली बिरयानी मसाले वाली बिल्कुल बंद हो गई है, अब लग रहा है मुझे मसालेदार बिरयानी खाना पड़ेगा तो बाहर ही खाना पड़ेगा। और बाहर खाओ ना नखास का ठेले वाला बिरयानी, सारी बिरयानी फेल है उस ठेले वाली बिरयानी क्या के जो बर्ड मार्केट के पास लगाते हैं ना दो तीन ठेला, वो वाला उनके यहाँ का बड़ा अच्छा, मुबीन के सामने एक लगाते हैं वो भी बड़ा अच्छा रहता है, तो थोड़ा मसालेदार तीखा स्पाइसी वाला। ठीक है, तो इसमें चला गया, अच्छा मिर्चा नहीं गया है, तो मिर्च जो इसमें जाएगा ना वो भरपूर हरी मिर्ची जाएगा। और ये मेरा थिस थिस करता हुआ आर्मी मैन, इधर आ इधर आ इधर आ, इसका फेस देखो, गौर से देखो इस बच्चे को, गौर से देखो इस बच्चे को, नंबर वन का शरारती बच्चा, गन खराब कर दिया, बुलेट हाथ से चिपका दिया, और मैं कह रही थी। तो चलो ये मैरिनेट हो गया है, इसमें आप हरी मिर्ची अभी हम फाड़ के इसमें काट के मिक्स कर देंगे, और अभी इसको ना ऐसा कवर करके फ्रिज में भी फिर से चिल हो रही अभी नहीं हुई। हाँ हाँ ऐसे होता है बेटा, बहुत है बहुत, अरे वाह लता दिया। तो चलो इसको ढक देते हैं और इसको साइड में यहाँ पे रख देते हैं, और साथ में तभी यहाँ पे मैंने वाइट अनियन मुझे मिल गया इत्तफाकन, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, रेड अनियन भी ले सकते हो आप, उसको ले लिया मैंने इसमें मीडियम, छोटे छोटे वाले लिए क्योंकि उसमें स्वीटनेस आती है ना, बड़ा अनियन लेंगे तो उसमें रफनेस आती है, छोटे वाले में स्वीटनेस आती है तो उससे भी टेस्ट का फर्क पड़ता है, तो मैंने छोटे छोटे वाले लिए हैं, तो वो मैंने ले लिया उसको कट किया, साथ में जिंजर गार्लिक भी मैंने साथ में इसमें ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल थिक, बिल्कुल पानी नहीं डाला मैंने एकदम, तो थिक वाला, क्योंकि भुनने में क्यों गैस ख़राब करो, 1100 रुपए की गैस आ रही है, तो मैंने इसको भी ग्राइंड करके साथ ही साथ रख लिया। और साथ में मैंने यहाँ पे एक कटोरी भर के ऐसे दूध निकाल लिया जो कि ऊपर से जाएगा और थोड़ा कलर भी जाएगा, तो कलर जाएगा माई फेवरेट केवड़ा में। तो चलो अभी तक यहाँ तक इतना ये है, अभी ये हो रहा है प्रोसेस, और यहाँ पे लंच का बर्तन है वो धोना है, अभी आफ्टर अपना हाईलाइट देख रहे हैं आईपीएल का, बैठे छुट्टी में ना तो इसके देख रहे हैं, ऐसे देखते कहाँ, सफाई देते बड़ी जल्दी है आजकल ये, देखो ये ऐसे चिपका रहे हैं। ओ नहीं दिखाएगा अपना, बहुत चालू है बहुत चालू, फ्रिज में देखो साफ हो गई है बिल्कुल, अब इसमें से सारा सामान खाली कर दिया है, अब फ्रीजर मेरा देख सकते हो, फ्रीजर पूरा बर्फ बर्फ है, अभी ये पिघल गया, काफी पिघल गया, हाँ अम्मा काफी नीचे का तो पिघल गया ऊपर का भी पिघल गया, ओहो ओ देखो इतना मोटा बर्फ जमा है देखो, नीचे भी गिर गया, ये फ्रिज बड़ी खराब हो गई, किसी को लेना है ले लो 10,000 की। तो वॉश रूम में डाल नहीं, क्या बंद हो, अपने आप होता है नेट, इतना बर्फ पूरा बर्फ ही बर्फ है। अब उतना पिघल के छूटेंगे तो ऐसे ना चिकन के पैकेट्स बना बना के हम रख लेते हैं, इकट्ठा ले आते हैं फिर उसके पैकेट्स बना के, जिसको जिस हिसाब से जो जो चीज़ बनानी होती है, बिरयानी बनानी है उसका अलग पैकेट, बोलनेस का अलग, ऐसे अलग बना बना के रख लेते हैं कि जब बनाना हो बस एक पैकेट निकालो और थोड़ा देर पहले निकालो, रूम टेम्परेचर पर आ जाए बस वैसा, अब बनाना का मन अभी और लेने जाना इतनी धूप में, उधर छोड़ दो खाना,
चलो खैर अभी बर्तन धुल लेते हैं, ठीक है, पान खाते खाते। तो फ्रेंड्स आधा घंटा हो चुका है, चिकन मैरिनेट हो गया है। यहाँ पे मैंने चावल रख दिया है, भिगो दिया है। ये है बासमती हरी पत्ती अरवा चावल जो बिरयानी का आता है, लंबा लंबा पतला। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल रखा हुआ है, रिफाइंड ऑयल ही जाएगा। आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, और देसी घी हम लोग ऊपर से डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चिकन भी मैरिनेट हुआ है, यहाँ पे आपका प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने एक साथ ग्राइंड किया, क्योंकि मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट का हो चुका है ख़त्म, तो इसलिए तेल गर्म हो चुका है। इसमें जाएगा थोड़ा सा खड़ा मसाला जो कि बाद में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पुलाव के लिए भी निकाल लेना है, और ये इसमें जाएगा। सारे खड़े मसाले मैं निकाल लेती हूँ ना एक बार, ताकि जो है ना कि मसाला डब्बा खुला तो एक ही बार निकालें चावल। तो यहाँ पे लौंग ले लेंगे, 3 से 4 लौंग ले लिया मैंने। एक छोटी इलायची लेंगे, कुछ पत्तियाँ ले लेंगे। उसके बाद मेरा चटनी मसाला ख़त्म है, तो मैं इस तरह का जो छूटा है ना वही ले लेंगे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और इसके साथ में बड़ी इलायची जाएगी थोड़ी सी, देखिए जितनी क्वांटिटी आप उस अकॉर्डिंग लेंगे। मैंने आधा बड़ी इलायची का आधा लिया हुआ है, और उसके अलावा जाएगा जावित्री। ये जावित्री है बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सी, रेड रेड सी वाली जावित्री ज़्यादा अच्छी होती है। और जाएगा काली मिर्च का होल ब्लैक पेपर 7-8 आप ले लें। ये सारा जाएगा पुलाव में, देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा। ये तो मैंने मसाला डब्बा खोला था, तो इसलिए मैंने निकाल लिया, टाइम की बचत। ओके, तो अभी मैं ना इसको डालती हूँ। तेल हो चुका है, दालचीनी हो चुकी है, अब डायरेक्ट हम लोग इसको डाल देंगे, यानी प्याज जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा, ये जो अरवा चावल होता है ना, इसमें ऑयल ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये ना ऑयल जो है चावल जो है ना अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, पूरा सोख लेता है चावल, अगर सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो इसलिए ना थोड़ा सा ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी होती है। और मुझे बस पानी ज़्यादा नहीं डालना है, तो मैं इस तरह से प्याज निकाल लूँगी। ठीक है, आप पानी डालेंगे फिर वो ज़्यादा टाइम लगता है भुनने में, डालना पड़ता है, लेकिन बड़ा हल्का सा डालें तो भी ज़्यादा सही है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। अब मेरे रूम में फैन लगना है, जो फैन लगा हुआ है ना बहुत ज़्यादा स्लो चलता है, दूसरा फैन है उसको लगवाना है। लाइट जो ये फॉल्स ऊपर लगी होती है ना, वो लाइट नहीं चल रही है, तो वो लाइट भी जलाना है, वो भी दिखाएं, क्योंकि ब्लॉगिंग में फिर ना वो रोशनी या नहीं आती। मम्मी के रूम में आती है रोशनी, अच्छे से सब जलता है। इतना सा पानी डाल दिया है, हो गया है। फ्लेम थोड़ा सा मीडियम हाई रखेंगे, फुल फ्लेम नहीं रखना है, मीडियम हाई रखना है। और दिखाती हूँ, ये देखिए सारा एक साथ ऐसे ना बढ़िया सा भुनेगा। अच्छा, मार्केट वाले क्या करते हैं ना, जब आप चिकन को ऐसे मैरिनेट करते हैं, तो इसमें ना वो लोग फूड कलर डालते हैं, पिंक विंक कलर, अरे रेड कलर में, और ऐसा डालते थे रेड या ऑरेंज में, तो हम नहीं डालें। अगर आप डालना चाहें तो इसमें मैरिनेशन के टाइम पे ही डाल सकते हैं, पर मैंने टोटली स्किप कर दिया है। ये फ्राई हो जाए अच्छे से, थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन हो जाए, ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैंने मिर्ची 7-8 डाल दी है, और अरे तेल फटक गया, बच गए, नहीं तो अभी तेल सारा मेरे ऊपर आ जाता, वीडियो बनाना फुसुक हो जाता। बच गए, अल्लाह का शुक्र है बच गए। अरे एक हाथ से कैमरा पकड़े थे, एक हाथ से उसको ये जम गया था उसी टोकरी में, ऐसे ऐसे किया, फचाक से गिरा और फचाक से तेल ऊपर, बड़ा 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 बेटा। तो अभी हम इसमें से जो भी इसका मसाला है वो निकाल लेंगे। जिन लोगों को मसाला नहीं खाना है बिरयानी में, उनको बहुत ही ज़्यादा वाला पसंद आने वाला है, ठीक है। अगर किसी को मसालेदार बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं वो भी बनाऊंगी। तो फिलहाल अभी इसको जो है इधर दिख रही है,
इसको ना फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम हाई करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा आप मसाला भी हम थोड़ा सा डाल देंगे, हल्का हल्का सा, कलर नहीं डाले हैं ना तो इसको कवर करने के लिए हमको डालना होगा थोड़ा सा कश्मीरी मिर्ची पाउडर। अब बिरयानी का हमने पूरा मसाला डाल ही दिया है तो तीखी बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक चम्मच डाल देंगे कश्मीरी मिर्च, ज़्यादा वो भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे जीरा पाउडर। असल में जीरा पाउडर और गरम मसाला एक ही जैसा लगता है ना, तो फिर वो कन्फ्यूज़न होने लगती है। क्या थोड़ा सा डाल देते हैं ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा थोड़ा सा डालना है, कोई मसाला आपको दिखेगा ही नहीं बिल्कुल नहीं दिखेगा। जब यहाँ पे हल्दी धनिया पाउडर ये सब बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आप जैसे कलर नहीं डाले हैं तो मेरी तरह आप कश्मीरी मिर्ची यूज़ करें, कलर डाल रहे हैं तो कश्मीरी मिर्ची बिल्कुल अवॉइड कर दें। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है, अच्छे से आप देख सकते हैं। अरे ला क्या गिर रहा है, सब मिक्स कर दिया है और हरी मिर्ची डाला है, ये सारा निकल जाएगा पीछे से। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए, थोड़ा सा नीचे रखेंगे क्योंकि जब आप चावल डालेंगे तो वो ऊपर पानी आता है। अब जितना पानी है उसी पानी के हिसाब से, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि आपको जो चावल में नमक है वो प्रॉपर आएगा, थोड़ा सा बढ़ा के डालेगा। चावल के अकॉर्डिंग पानी नहीं डालना है, पानी के अकॉर्डिंग, चावल के अकॉर्डिंग नमक नहीं डालना, पानी के अकॉर्डिंग नमक डालना है, आधे चम्मच बढ़ा। तो इसमें हम 3 चम्मच डाल देंगे नमक, और असल में देखिए जब ऊपर से घी जाएगा तो घी नमक को सोखता है तो वो थोड़ा सा सोख लेगा, अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया, ठीक है, चिकन में नमक वमक सब डला ही था, कोई मसला नहीं है डालने का। इसमें ये सारे होल मसाले जाएंगे, जब भी आप इलायची डालें तो ऐसे बंद है ना तो इसको थोड़ा सा ना हाथ से फोड़ दें तो उसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो निकल के आएगा जिसमें भी आप डालें, तो इस तरह से, ठीक है। तेज पत्ता नहीं डाला हमने किसी में, तो तेज पत्ता पानी में भी जाएगा और उसमें भी जाएगा, तो पानी वाले होंगे ना ये, तो बड़े बड़े वाले डालेंगे। जा तुम रुक जाओ, 2 तेज पत्ते और चिकन में बेचारा मासूम सा चिकन, छोटे छोटे मुर्गे कटाया था हमने, तो छोटे छोटे मुर्गे में छोटा छोटा तेज पत्ता जाएगा, ये जाए, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों चीज़ें हो गई हैं। अभी उबाल आएगा तो चावल जाएगा, चावल में फूला है ना तो पानी कम पड़ गया इसमें, चलो गया। अभी हमने तेज पत्ता डाला है तो थोड़ा सा चला दे तेज पत्ता को अंदर, उसका भी तो फ्रेग्रेंस आना चाहिए ना। अब मेरे हाथ में जान नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों। चलो ये अपना कुक हो रहा है, ये इधर अपना बॉयल हो रहा है, सब अपने मन के हैं, तो हम भी चल। तो चावल में ऐसा बॉयल आने लगा है तो इसमें चावल आना चाहिए, तो ये सारा मसाला इस तरह से चावल डालने से पहले ही आपको छान के पूरा निकाल लेना इस तरह से। मैं वेट करती हूँ कि कौन सा मेरा वीडियो वायरल हो जाए, लेकिन कोई नहीं, तो मिनिमम आधा घंटा आपको भिगो के रखना ही है, और डालने से पहले जो भीगा हुआ चावल का पानी वो आपको निकाल देना है बाहर। चिकन बिल्कुल गल चुका है, यहाँ पे देख सकते हो गल चुका है, तभी हम इसको बंद करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ठंडा करना है, इसको भी छानना है, थोड़ा सा ये छानने वाला ही प्रोसेस होता है, बाकी बहुत बहुत जो एकदम से जो माउथ मेल्टिंग वाला बनता है ना आपका, वो वाला ये बन के रेडी होने वाला है। इसमें से सारे पीसेस हमने निकाल लिया है, यहाँ पे साइड में रखेंगे इसको। तो देखिए इस तरह से ना हमको इसको छानना है, यहाँ पे देखिए ये सारा इतना मलबा निकल गया है इसका, तो इधर हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ सा आपका पूरा तीरा रेडी है, ये जो बिरयानी वाले दुकान वाले तीरा देते हैं ना यही आपको देते हैं। मलाई 1 चम्मच डालेंगे, बढ़ ही जाता है कुछ ना कुछ थोड़ा सा। ये चला गया, अब इसको थोड़ा सा ना पकाना है हमें इसमें, और थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर केवड़ा वाटर,
ठीक है। और इसमें जाएगा थोड़ा सा दूध, और इसमें थोड़ा सा हम दही भी डालेंगे। फ्लेम लो रखेंगे, चम्मच हटा दें क्योंकि मलाई है, उसको चलाना ज़रूरी है। अजान हो गई, इसको ना ऐसे घुमाएं, विस्क करने पर ना ये एकदम मिक्स हो जाएगा। चावल देखिए यहाँ पे चावल फूल गया, एक दाना ऐसे उठाना है। यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसको बस ये देखिए कच्चा भी है पका भी है, बस यहीं पे बंद कर देंगे और इसको ड्रेन वो स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पे केवड़ा वाटर ले लिया है, इसमें जो डार्क कलर डालना है वो कलर लेंगे। बॉयल हो चुका है बढ़िया सा, देखो कितना क्रीमी क्रीमी सा हुआ है। तीरा जो है ना वो डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है। अब इसमें जाएगा ये राइस, बहुत अच्छी बन के इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी, ठीक है। अच्छे से उसको फैला लिया, अब इसमें डालेंगे आपका तीरा, पूरा डालना है इसको अच्छे से। ठीक है, ये चला गया। अब ये जो कलर है ये कलर डालेंगे, किनारे पड़ गया चम्मच, ताकि जो राइस है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो। तो अब डाल देंगे इसके अंदर घी, अंदाजन 2-4 चम्मच। चलो ये गया। अब इसका जो ढक्कन है, जो इत्र है हमारा, जो इत्र की खुशबू आएगी वो किससे है? पूरा अच्छे से इसको लगा देना है, फिर इसको ढकना है और इसको रखना है दम पे। फ्लेम बिल्कुल धीमा करना है, ऊपर से रखने में कोई भारी चीज़ यहाँ पर रख दी मैंने, चौका इससे भारी तो कुछ नहीं है। उसके ऊपर पानी भी रख दें, चलो ये हो गया। अब इसको 10 से 15 मिनट तक, 10 मिनट तो मैक्सिमम आपको रखना ही रखना है मिनिमम, और ये दम पे अब कुक होगा। बाकी इधर जो बर्तन निकला वो धुल लेते हैं, अजान भी हो चुकी है। चलो अब ये जब ओपन होगा फिर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये दम हो चुका है, तो इसको ले लिया है। बेसिकली हम लोग उसको चमचा से मिलाते हैं। अभी आप मुझे देख रहे होंगे थोड़ा सा मैं सुंदर होके आई हूँ, तो मैं जा रही हूँ बाहर, वो ब्लॉग अलग से आएगा तो इसके बाद आएगा, ठीक है। तो बस ड्रेस चेंज नहीं किया है, अभी मैं चादर ओढ़ लूँगी इसी पर से, खैर वो वाले ब्लॉग में आप लोग देखिएगा। तो इसमें एक बेसिक तरीका मुझे अपने नेबर से पता चला कि इसको ऐसे पकड़िए दम से और बिस्मिल्लाह करिए और एकदम मिक्सअप मिक्सअप हो गए। अरे वॉच क्यों खराब कर रहे हो, एकदम बेहतरीन ये ना हो जाएगा। मैं दिखाती हूँ पास, तो देखिए यहाँ पे देखिए मिक्स हो गया, और इसमें जो इत्र वगैरह डाला ना उसकी खुशबू एकदम बेहतरीन आ रही है, मिक्स हो गया, देख सकते हो। रख दो ऊपर ही पता चला गिर जाएगा, तो हम ही टेस्ट करके बता देते हैं। जैसे ईद पार्टी में गए थे आपके यहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पे मिर्ची है ना, मिर्ची तो जानबूझ के कम डाला है क्योंकि यार हम को भी थोड़ा खिलाना होता है, और वो स्पाइसी जरा सा भी नहीं खाता अपने डैडी की तरह। अच्छा बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमारे घर में मिर्ची हम लोग नहीं, हम तो खाते हैं हफ्ता बार, और हम नहीं खाते तो इसलिए हम कम डालते हैं। आप क्या ज़्यादा खाते हैं सब, हम मिर्ची दिल खोल के डालें, हरी मिर्ची। और बाकी बस, और आई होप ये रेसिपी की डिमांड उनको बेहद पसंद आई होगी, बाकी आप सभी को पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस चलते हैं, अपना ख्याल रखें, फैमिली ख्याल रखें, तो हम ज़रूर याद रखें। इसके बाद वाला व्लॉग भी बहुत अच्छा होने वाला है, मार्केट व्लॉग है, मतलब घूमने फिरने का। तो चलो अल्लाह हाफिज़। थोड़ी सी मेकअप कर लिया था, मेकअप क्या कर लेता था।